वी नेचुरल चैनल पर मैं आराधना गौतम आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि गर्मियाँ आ चुकी है और गर्मियों की परेशानियाँ शुरू हो चुकी हैं, ना तो उठा जाता है, ना बैठा जाता है, ना खाया जाता है, ना पिया जाता है, ना रहा जाता है। तो गर्मियों को कम करने के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ, कुछ ट्रिक्स लेके आई हूँ, जिनको फॉलो करके आप अपने आपकी अपने घर की गर्मी को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब गर्मी को कम कर सकते हैं। इन नुस्खों को अगर आप आजमाते हैं, इन टिप्स को अगर आप आजमाते हैं, तो रियली ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपके घर में ठंडक रहेगी, आपको एसी और कूलर की भी शायद ज़रूरत ना पड़े। तो आप इन्हें ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो पर मूव ऑन करते हैं। जिस तरह से किचन में एग्जॉस्ट फैन लगाकर हम किचन की गर्मी कम करते हैं, उसी तरह से हमें सभी कमरों में भी एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाना चाहिए। गर्मियों के दिनों में हो सके तो कम लाइट का यूज़ करें, जैसे कि बिजली के बल्ब हुए, ये सब चीज़ें ज़्यादा गर्मी करती हैं, इसलिए अपने कमरों में LED बल्ब का इस्तेमाल करें। घर के कमरों का कलर जहाँ तक हो सके लाइट ही चूज़ करें। लाइट कलर गर्मी को कम खींचता है, यह हमें ठंडक प्रदान करता है, जिसकी वजह से हमारे सभी कमरे और हमारा घर ठंडा रहता है। और ठंडा कलर हीट भी कम प्रोड्यूस करता है, आंखों को भी ठंडक देता है, इसलिए जहाँ तक हो सके सभी कमरों में लाइट कलर ही पुतवाएं और अपने घर को ठंडा से ठंडा बनाएं। छत पर हमेशा सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करें, छत चाहे बाहर से हो या अंदर से, इसे सफ़ेद रंग से ही पुतवाएं। सफ़ेद रंग क्या होता है, बहुत ठंडा कलर होता है, जिसकी वजह से हमारी छतों पर गर्मी कम मिलती है, और गर्मी कम मिलेगी तो घर में ठंडक आसानी से रहेगी। हम लोग जैसे जानते हैं कि जो सफ़ेद सरफेस होगी उस पर धूप की किरणें गिरेगी तो वो उसे रिफ्लेक्ट कर देगा, इसलिए सफ़ेद रंग का इस्तेमाल। बेडरूम में बेडशीट हमेशा लाइट कलर की पसंद करें, जहाँ तक हो सके क्रीम कलर या फिर वाइट कलर की चूज़ करें। क्रीम कलर और वाइट कलर की बेडशीट भी आपको बहुत ठंडक प्रदान करेगी, इससे सोने में भी आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने घर की गर्मी को कम कर सकते हैं, आप अपने आप को भी कूल रख सकते हैं, अपने घर को भी कूल रख सकते हैं। और बाकी रहा वेदर का सवाल, तो ये तो जो है वो रहेगा, इसे थोड़ा सा तो हमें सहन करना पड़ेगा। अगर हमें बारिश के मज़े आते हैं, ठंड के मज़े आते हैं, तो गर्मी के भी मज़े आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से करती हूँ, बाय बाय।